हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारा सा ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जान लोगे एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो गाइस, आप देख सकते हो हम हो चुके हैं रेडी और आज हम जाने वाले हैं कहाँ पे, वो आप पूरा वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा। और फिलहाल थोड़ा सा बता दूँ कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो मैं किस लिए जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो तो पूरा वीडियो में बताऊँगी आपको। पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखना तो पता चल जाएगा। मैं जा रही हूँ, कार्तिक जा रहा है और कार्तिक के पापा जा रहे हैं। और अभी सुबह सुबह का सिर्फ 8:30 बजा हुआ है, बारिश अपनी ज़ोरदारी से है और हम अपनी ज़ोरदारी से हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको जहाँ जा रहे हैं, ठीक है? तो ये अपने नाश्ता पानी ले जाने के लिए तैयार है। कार्तिक इधर देखो, हाय बोलो, हाय बोलो। तो गाइस, आपको एक बात और बता दूँ, आप लोग जानते होंगे ये पूरी पैकेट आई थी और इस बंदे ने 3 दिन में पूरी बिस्किट खा के फेंक दिया है। तो भैया इतना जिसके पास दुकान हो वो इसको लेकर खिलाए जाते हैं। ऑटो में बैठे हुए हैं, 4:30 बज गया रहता है। हॉस्पिटल से निकलते निकलते समझो 4:30 का टाइम हो गया, रूम तक पहुँचते पहुँचते शायद 5:15 या 5:30 हो जाएगा। और अभी भी हम लोग रास्ते में, तो कितना टाइम लगता है समझो, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं दिखा देता हूँ, जैसे और ये मेरा कार मिस हो गया, ऑटो मिस हो गया। प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट करना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो गाइस, इसमें आप देख सकते हो, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा कमी जो है वो है ब्लड
डॉक्टर ने बोला है कि आपका शरीर में ब्लड की कमी है, आप थोड़ा सा खाइए पिए, थोड़ा शरीर को ध्यान दीजिए तो शायद अच्छा हो सके। तो ये हमारी ब्लड जांच है और तो गाइस ये देख लीजिए, ये हमारी सोनोग्राफी है। तो हमारा बेबी हो चुका है 14 वीक 1 दिन का हो चुका, तो ये रिपोर्ट कल की है। तो 14 वीक हो चुके हैं और ये नीचे की डेट नहीं दिखाएंगे आप लोगों को, ये दिखाएंगे अगले वीडियो में, आप लोग जरूर से जरूर देखना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा बेबी कब आएगा, या पुराने साल में आएगा या नए साल में आएगा, ये आप लोगों को पक्का पता चलेगा। तो ये हमारी सोनोग्राफी हो गई है, आप देख सकते हो पूरी फाइल कम्प्लीट है, ये सब दवा वगैरह है और यही सब हुआ था गाइस। और रिपोर्ट हमारी कल लेट बहुत मिली थी तो परेशानी ज़्यादा हो गई थी इसीलिए। सो गाइस ब्लड की कमी जो बताई है, खून बहुत ज़्यादा कम है शरीर में, कमजोरी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा समझ में आती है। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ें खाएं तो आपका ब्लड थोड़ा सा बढ़ सकता है आपको। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसी क्या चीज़ें हम खाएं जिससे हमारे शरीर की जो कमजोरी है वो दूर हो जाए, थोड़ा ब्लड बढ़े और मेरा बच्चा भी अच्छा हो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी और ना भी अच्छा लगे तब भी एक लाइक ज़रूर कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना। अगले वीडियो में देखते हैं कि बेबी कब आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।